जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महात्म में 35 अध्याय होते हैं और कार्तिक में दिन होते हैं 30। तो 5 दिन तक मैं दो दो अध्याय सुनाती हूँ ताकि हम 30 दिन में 35 अध्याय संपूर्ण सुन सके। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 12वें और 13वें अध्याय की कथा। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। बड़ा ही नास्तिक था, कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता, कभी मंदिर भी नहीं जाता, किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन को यापन करता, शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता। उसके दुष्कर्मों और दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति ने, बंधु बांधवों ने उसका त्याग कर दिया था, उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह से दुखी होकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था तभी उसे वहां पर एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को देखकर, उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को उठाया और अपने घर ले आया। बड़े ही प्रेम से उसने और उसकी पत्नी ने बेहोश ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। कुछ देर बीती, ब्राह्मण देव को होश आ गया। ब्राह्मण देव को होश में आया देखकर, सुख से बैठा देखकर वह और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। तब उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पैरों को दबाते हुए उसने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुंच गए? तब उसके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण इस वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी इस सेवा के बदले बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझसे कहो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तब उन ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई कि मेरे कर्मों और उनके परिणामों के बारे में उसने ब्राह्मण को बताया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण देवता सारी बात सुनने के बाद बोले कि हे महाभाग, आपने मेरी बड़ी सहायता की है, इसलिए मैं आपको एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे बिना ज्यादा परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के या अन्य किसी प्रयास के भी बिना तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण बोले कि कुछ महीनों के बाद कार्तिक का महीना आएगा, उस महीने में सावधानी से तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, कार्तिक में पूजा करना और दीप दान करना। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। दीप दान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, देसी घी से दीपक जलाना। लेकिन मुझे प्रतीत होता है तुम इस निर्जन वन में वास करते हो, हो सकता है तुम्हारे पास घी उपलब्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति में तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छाव में उठना, कार्तिक के महीने में रोज स्नान करना और भगवान की पूजा करना, और तिल के तेल से दीपक का दान करना, कार्तिक भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। तुम रोज भगवान दामोदर की पूजा करना, श्री तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और रोज व्रत करना। एक महीने तक कार्तिक मास में दीप दान करना। जो कोई एक महीने तक पूरे मास के व्रत करता है, दीप दान करता है, श्री तुलसी जी की सेवा करता है, उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करती हैं। हे महाभाग, कार्तिक के महीने में जो विधि पूर्वक व्रत करके दीप दान करता है वह धन धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया दीप दान बंध्या स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है,
स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीप दान करती है तो वह गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीप दान करता है वह अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। और फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी पूरे कार्तिक के महीने की व्रत करता है और दीप दान करता है उसके भाग्य का तो कहा ही नहीं जा सकता। कार्तिक के महीने में दीप दान करने का विशेष महत्व है। दोनों पति पत्नी को कार्तिक के महीने की और कार्तिक में दीप दान करने की महिमा बताकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। आया कार्तिक का महीना, तब दोनों पति पत्नी आलस्य को त्याग कर कार्तिक के महीने का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और दीप दान करने लगे। दीप दान करते करते उन्होंने पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया, श्री तुलसी जी की सेवा की और ऐसा करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत समय आने पर वे स्वर्ग को गए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में दीप दान करने वाले की, स्नान करने वाले की, व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। तो पहले सुनते हैं 12वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं कि जलंधर के अत्याचारों से भयकंपित होकर इंद्रादिक सभी देवता भागते भागते वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान की बड़ी स्तुति की। देवताओं की दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, अब तुम सब भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनिया लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि हे नाथ, यदि मैं आपकी सर्वदा प्रिया हूँ और आपकी भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु जी बोले, अच्छा प्रिय, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, पर मुझे युद्ध में तो जाना ही होगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु के बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उदित वचन कहे और उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं, युद्ध में दोनों पक्षों से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हो रहा था। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भाग रहे थे। तब देवताओं को इस तरह से भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाया और उसकी बड़े जोर से टंकार की। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट दिया। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच महासंग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण को काट डाला। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठा ली और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर उनके वैष्णव धनुष को भी काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, पर उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाया और भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण किया
और नंदन नाम के त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। तब जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी तू भयभीत नहीं हुआ। मैं तेरे इस युद्ध से प्रसन्न हूँ, तो मुझसे जो चाहे वर मांग ले। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वर दीजिए कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा खेद हुआ, परंतु उसी क्षण उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं को साथ लेकर जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित विष्णु जी को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे, उन सबको जलंधर ने ले लिया और पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य सबको अपना वंशवृति बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम घनी सूर्याय नमः। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी तो जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की तो कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो ना बुढ़िया माई को गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। तो ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था, बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा गाय नहीं है, तो उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। तो बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ नहीं किया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भी भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसे भूखी प्यासी पड़ी है। तो बुढ़िया माई बोली, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, उससे आंगन लीपती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो ना मेरा आंगन लिपा और ना ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया और भोग नहीं लगाए बिना मैं भोजन कैसे कर लेती, इसीलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर, देख तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। अब सुबह बुढ़िया माई उठी तो अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई तो अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा
तो वो तो ईर्ष्या के कारण पूरी ही जल बुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को तो कुछ बताया नहीं। देखा बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं, तो उसने सोने का गोबर तो उठा लिया, उसे तो अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चलाकी का भी पता था, तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आती देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब जब घर के अंदर बांध ली तो उसने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बस उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। तो राजा ने अपने आदमी बिठा दिए छिपकर। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को आके बताया कि हाँ सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। ये बात सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई कि अगर हमारे महल में ये गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वो भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि ये तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ, ये तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग नहीं माने, उन पर तो राजा आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। तो वो तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। अब राजा तो अपने सपनों में खोया हुआ था कि सोना हगने वाली गाय मेरे महल में आएगी तो मेरे खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए कि गाय आएगी तो सोना हगेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी चारों तरफ से। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने बुढ़िया बुलवाई। बुढ़िया बुलवा के पूछा कि ये क्या जादू टोना है, तेरे घर में तो ये गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में बदबू बदबू फैला दी। तो बुढ़िया बोली कि राजा जी मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा तो रविवार का व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली, मुझे गोबर नहीं मिला, न मैंने आंगन लिपा, न पूजा करी, न व्रत करा, न खाया पिया। सूर्य नारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे ये गोरी गाय और बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा किया करना, इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले रविवार व्रत कथा कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।